हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ बैंगन का भरता शेयर करूंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। आपने बैंगन का भरता काफ़ी तरीके के खाए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंगन का भरता कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला बैंगन लिया है, आप चाहे तो मार्केट से छोटे वाले बैंगन भी ले सकते हैं, उसका भी भरता काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ पर बैंगन को मैं गैस में भून के नहीं छील कर बनाऊँगी। मैं अक्सर बैंगन के भरता छील के ही बनाती हूँ। छील के बनाने से एक तो बैंगन काफ़ी टेस्टी भी लगता है और इजीली कुक भी हो जाता है। अब मैं बैंगन को बारीक बारीक पीसों में काट लूँगी, इससे हमारा बैंगन जल्दी ही कुक हो जाएगा, मैश करने में भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े प्याज, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, 2 से 3 मिर्च और टमाटर जिसको मैंने पहले ही काट के रख लिया था। अब मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच घी ऐड करूँगी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में बनाने से बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है और 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें हींग ऐड किया है। अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप इसे ना ही यूज़ करें। अब हम इसमें प्याज डाल के भून लेंगे अच्छे से। जैसे ही प्याज का रंग सुनहरा हो जाएगा, हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च को भी ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से चला देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही मसाले अच्छे से भून जाएंगे, अब इसमें हम काटे हुए बैंगन को भी अच्छे से मसालों में भून लेंगे। हमें यहाँ पे गैस का आंच लो ही रखना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी अंदर से जल जाएगी और अच्छे से कुक भी नहीं होगी। अब ऊपर से हम मैंने 1 टीस्पून और नमक ऐड किया। अब इसमें हम ढक्कन लगा के इसे लो फ्लेम में पकने देंगे। तो यहाँ पे बैंगन के भरता के लिए मैं मूंगफली यूज़ करती हूँ, तो इसे अच्छे से भून लूँगी। तो फ्रेंड, मूंगफली डालने से बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से भूनने के बाद इनके छिलका निकाल लूँगी और इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लूँगी। हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है मूंगफली। तो हमारे यहाँ बैंगन पक के नरम हो चुके हैं, अब अच्छे से मिला लेंगे हम इसे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं 1/2 कप के बराबर थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ ताकि मैश करने में आसानी हो। अब हम इसमें अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद जो पीसी हुई मूंगफली है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर घी ऐड करेंगे, इसे भी भरते में अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। लो, बनके तैयार हो गया हमारा बैंगन का भरता। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से बैंगन का भरता ज़रूर ट्राई कीजिएगा मूंगफली डाल के, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।